वायरस के चलते देश भर में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में बॉलीवुड से लेकर टीवी इंडस्ट्री पर ताला लग गया है। बता दें आपको, एक बार फिर से लॉकडाउन की वजह से रामानंद सागर का पॉपुलर सीरियल रामायण रीटेलीकास्ट किया गया। इसी बीच टीवी पर फिर से वो सितारे छा गए जिन्होंने इस सीरियल में अहम किरदार निभाए हैं। वेल दोस्तों, आपको बता दें, देश भर में जनता का दिल खुश हो गया है इन किरदारों को फिर से देखने के बाद। यहाँ पर आपको बता दें कि रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी बेहद ही पॉपुलर होते जा रहे हैं। जी हाँ, लगातार लाइमलाइट में बने हुए हैं और उनकी पुरानी तस्वीरों को देखने के बाद फैंस उनके दीवाने हो गए हैं। बता दें आपको, फैंस की दीवानगी देखने के बाद सुनील लहरी भी बेहद खुश नजर आए हैं। उन्होंने कई ट्वीट्स किए और वीडियोस के जरिए फैंस को थैंक यू भी कहा। इसी बीच आपको बता दें कि अपने फैंस के एक्सपीरियंस को देखने के बाद उन्होंने इस एक्सपीरियंस को शेयर भी किया और ये बात सामने आई सोशल मीडिया के जरिए। वहीं आपको बता दें, सुनील लहरी के बारे में तो उन्होंने हाल ही में अपने इंटरव्यू में बताया एक दिलचस्प किस्सा। दरअसल आपको बता दें कि सुनील लहरी उस समय फीमेल फैंस के फेवरेट हुआ करते थे और आज भी उनकी पुरानी तस्वीरों को देखकर सभी उन पर फिदा हो गए हैं। फैंस को भी लक्ष्मण का किरदार बेहद ही पसंद आया है, तो वहीं लक्ष्मण को देखने के बाद फिर से क्रश होने लगा है सुनील लहरी पर। दरअसल आपको बता दें कि सुनील लहरी ने अपने एक इंटरव्यू में 33 साल पुराना एक किस्सा बताया है और ये किस्सा बताया है उन्होंने एक लेटर के जरिए। जी हाँ, 33 साल पुराना लेटर उन्हें एक मिला जिसमें सुनील ने बताया है कि एक इमोशनल इंसिडेंट तो अभी ही हुआ है लेटर को लेकर। ट्विटर पर एक लड़की ने एक लेटर 33 साल पहले साइन किया हुआ पोस्ट किया है जो उनकी माँ ने मुझे भेजा था। मैंने उसके जवाब में अपने लेटर हेड पर शुक्रिया लिखकर भेजा था। उनकी बेटी ने लेटर को पोस्ट करते हुए लिखा, आप मेरी माँ के पहले क्रश थे और आप मेरे भी क्रश हैं। ये बात इमोशनल कर जाती है। किसी ने 33 साल से उस लेटर को संभाला, अब परिवार की दो पीढ़ियों से ये सम्मान मिल रहा है। वहीं आपको बता दें, उन्होंने ये भी बताया कि एक समय ऐसा भी था जब उनकी वजह से लड़कियों में लड़ाई हो जाया करती थी। उन्होंने बताया कि मजेदार किस्सा तो कनाडा में हुआ था। जिस ऑर्गेनाइजर ने मुझे बुलाया था उनकी दो बेटियां थी। जहां मैं वहां पर पहुंचा तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। झगड़ा इस बात पर हुआ था कि कौन मुझे वेलकम करके माला पहनाएगा। वहीं आपको बता दें कि टोरंटो में तो एक फीमेल फैन ने मेरी जैकेट तक रख ली थी। पटना में तो माँ और बेटी के बीच मुझे लेकर झगड़ा भी हो गया था। ऐसे इंसिडेंट यादगार रह जाते हैं। वेल दोस्तों, देखा जाए तो सुनील लहरी को काफी पसंद किया जा रहा है। आज भी उनकी फैन फॉलोइंग बरकरार है। लेकिन आप क्या कहते हैं इन किस्सों के बारे में जानकर या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।